अक्सर होता है, ये मेरे साथ हमेशा होता है कि चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग हो, मैं घर से टाइम से ही निकलता हूँ तो, और मैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं कैसे लेट हो जाता हूँ। तो मेरी जो ये कहानी, इस कहानी का शीर्षक है सफ़र की मोहब्बत। तो हमारी जो क्लास है वो आज जयपुर घूमने जा रही थी और मैं हर रोज मतलब घर से टाइम से निकलता हूँ लेकिन पता नहीं मैं रास्ते में लेट कैसे हो जाता हूँ। तो 7 बजे बस को निकलना था लेकिन मैं 7:20 तक वहाँ तक पहुँचा। तो मैं जैसे ही बस के अंदर चढ़ने वाला था तो मैम दरवाजे पर खड़ी हुई थी, तो मैम बोलती हैं कि दीपक सुधर जाओ, कभी तो टाइम पर पहुँचा करो। लेकिन उनसे मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं, तो उनने कहा चलो ठीक है बैठो। अब एक सीट पूरी बस में बची हुई थी तो मैं वहाँ जाकर बैठा। लेकिन कल शाम तक 4 बजे मेरा जयपुर जाने का प्लान नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा क्रश भी जयपुर जा रहा है तो फाइनली जल्दी जल्दी में एक टिकट बुक हुई है। अब एक ही सीट बची हुई थी लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ कि किसी और ने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज कोई मुझसे भी ज़्यादा लेट है। अब उस लड़की को तो लपक के डांट पड़ रही थी और मुझे मज़े आ रहे थे कि किसी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब वो लड़की जैसी अंदर आई तो मैं अपने क्रश को देख रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर रही थी। मैं अपने क्रश को देख रहा था और मैडम मुझे देख रही थी क्योंकि मेरे बगल वाली सीट खाली थी और उस पर मेरा बैग रखा हुआ था और वो लड़की वहीं खड़ी हुई थी। तो मैम ने कहा अपना बैग हटाओ और इसे बैठाओ। मैंने जब उसे बैठने का बोला, बैग हटाया, तो वो बोलती कि मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग से एलर्जी है। तो मैंने मन में कहा कि इतनी एलर्जी तो फिर आई क्यों, पर मैंने सोचा कि इस वाली सीट से तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, तो फिर मैंने उसे वो सीट दे भी दी। अभी लड़की होता क्या, ये वही लड़की जो क्लास में हमेशा टॉप करती है, इसको किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, ये बस अपने पढ़ाई से काम रखती है, इसके दोस्त भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वो जो सारे टीचर्स की फेवरेट होती है, ये वही होती है जो बोर्ड पर नाम लिखती फिर बोलती मैडम ये लड़का बात कर रहा था। तो इससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी और सच बताओ मेरी भी आज तक इससे बात नहीं हुई थी। तो सफ़र शुरू हो गया था और सर्दियों का मौसम था, तो सर्द हवाएं खिड़कियों से होती हुई अंदर आ रही थी और उन सर्द हवाओं में जो हवा थी उसके बालों को उड़ाकर मेरे गालों पर ला रही थी। लेकिन प्यार वाली फीलिंग नहीं थी, मैंने कहा इज्जत से साइड करो बालों को। अब उस बेचारी लड़की ने अपने बालों को चुपचाप से साइड करा और फिर से खिड़कियों में देखने लगी। मैं देख रहा हूँ मेरा क्रश उसके दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर रहा था। अब सफ़र को बीते हुए 1 घंटा हो गया था और सब लोग इंजॉय कर रहे थे, कोई अंताक्षरी खेल रहा था, कोई गाने सुन रहा था और मैं चुपचाप बैठा हुआ था। आज पहली बार पता चला कि मैं अपनों में भी अकेला हूँ क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो आते नहीं थे। उनका क्या होता, भाई लड़ाई करेगा तो चलेंगे पर ऐसे फालतू काम नहीं आते अपने को। तो बस अब वो लड़की बेचारी अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार ये तो हमेशा अकेली बैठती, इससे क्या बात करना। तो फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार अब गर्म सर्दियों में होता क्या कि भले ही लड़की कितनी आपने कभी बात की ना की हो, वो भी खूबसूरत लगती है। और ऐसा ही अपने क्रश के साथ भी था, तो वो लड़की खूबसूरत दिखने लगी। तो मैंने कहा कि यार इससे बात करके तो देखते, तो मैंने उससे कहा हाय। अब उसने वो उदास थी शकल लेके पता नहीं किस मुँह से बोल दिया हाय। मैंने कहा आपके दोस्त ही नहीं आए? बोले मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। मैंने कहा सच में नहीं है? तो बोले ये पूरी क्लास मेरी दोस्त है लेकिन तब तक जब इन्हें मेरे नोट्स चाहिए होते हैं, उसके बाद इनमें से कोई मुझसे बात तक भी नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आज मेरे दोस्त नहीं आए हैं तो मुझे इतना बेकार लग रहा है, इसके तो बेचारे के दोस्त ही नहीं है, इसे कितना बुरा लगता होगा। तो मैंने कहा कोई ना, मैं हूँ तो सही, अपन दोनों बात करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस लड़की को मैं अपने पास बैठने तक नहीं दे रहा था उससे मैंने 2.5 घंटे बात की है, और बातों बातों में कब जयपुर आ गया पता ही नहीं चला। सब लोग अपने अपने ग्रुपों में एंजॉय कर रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई मस्ती कर रहा था, कोई कहाँ कूद रहा था, कोई क्या कर रहा था। वो लड़की चुपचाप वहाँ जो हिस्ट्री लिखी हुई थी उनको पढ़ रही थी। तो मैं उसके पास जाकर बोलता हूँ, मैंने कहा आपको मस्ती नहीं करनी यहाँ पे। तो उसने जो बात मुझे बोली वो बात दिल तक गई। उसने मुझे ये बोला कि मैं इन लम्हों को कैद नहीं करना चाहती हूँ, मैं इन लम्हों को जीना चाहती हूँ। फिर उसके साथ मैं भी गया और हम दोनों ने वहाँ पर सारी चीज़ें देखी, सारी हिस्ट्री पढ़ी और अब टाइम हो चुका था वापसी का। लेकिन जैसे ही हम वापस आते हैं तो इस बार खिड़की वाली साइड पर मैं बैठा था और बगल वाली सीट खाली थी। तो मेरा क्रश आता है, वो आकर मुझसे बोलता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो जवाब हैरान करने वाला था, मैंने कहा नहीं, यहाँ मेरी दोस्त बैठेगी। अब जैसे ही मैंने ये बोला बेचारी का मुँह लटक गया, मैंने कहा जा कोई मतलब भी नहीं है। वो जाके उसके दोस्तों के साथ बैठी और मेरी दोस्त आकर मेरे पास बैठी। उस दिन एक बात समझ में आई कि जो मतलब होता क्या कि हम बहुत सारे आभासी दुनिया में रहते हैं, कि इमेज बना लेते हैं कि हाँ अगर ये होता तो कितना अच्छा होता, बाइक है तो सोचते कार होता तो कितना अच्छा होता, कार होती है सोचते हैं वो वाली होती तो कितना अच्छा होता। तो उस दिन एक बात समझ में आई कि यार जो आपके पास है, जो आपके साथ है, बस वही खास है, बाकी सब बकवास है। थैंक यू।